नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को तीर्थ नगरी हरिद्वार में प्रशासन द्वारा मां गंगा की पूजा अर्चना कर लगभग 15 दिन तक चलने वाले कावड़ मेले का औपचारिक रूप से शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे व SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह द्वारा हर की पौड़ी स्थित गंगा मंदिर के सम्मुख मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा का दुग्धाभिषेक करने के अलावा गंगा मां को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर विद्वान पंडितों द्वारा जिलाधिकारी व SSP को मुख्य यजमान बनाते हुए मां गंगा की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई तथा यजमानों द्वारा भी कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने की कामना के साथ मां गंगा से आशीर्वाद प्राप्त कर कांवड़ मेले का शुभारंभ किया गया। पूजा अर्चना के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा देश के विभिन्न भागों से हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेने पहुंचे शिव भक्तों को पवित्र गंगा जल के साथ साथ पुष्पमाला व फल आदि भेंट कर उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई से पंचक प्रारंभ होने के कारण काफी संख्या में शिव भक्त आज ही गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं तथा हरिद्वार जिला प्रशासन सभी शिव भक्तों के स्वागत हेतु पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा सुरक्षा के मुद्दे पर जिलाधिकारी का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे कांवड़ मार्ग के अलावा जनपद के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तथा हरिद्वार जिला प्रशासन पूरे कांवड़ मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु दृढ़ संकल्प है। सभी लोग विदित हैं कि श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है और हमारी कांवड़ यात्रा का भी इसको प्रारंभ माना जाता है और हम सभी ने इस अवसर पर माँ गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए माँ गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जो कांवड़ यात्रा का जो सेकंड फेज होता है, क्योंकि कल से पंचक लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारी डाक कांवड़ होती है और जो उसमें सैलाब सा आता है, ये लगभग 21 तारीख से प्रारंभ होगा और 26 को जलाभिषेक का दिवस है। वैसे भी पिछले 2-3 दिनों से हमारे जो श्रद्धालु हैं कांवड़ लेकर आना शुरू हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी समुचित प्रबंध किया जा सकता था वो किया गया है और अभी भी हम लोग लगातार फील्ड में हैं। हमारी पूरा प्रशासनिक अमला है, पुलिस विभाग की तरफ से भी व्यवस्था को माकूल रखने के लिए, चाक चौबंद रखने के लिए पूरी इंतजाम किए गए हैं। कल पुलिस और प्रशासन के सभी ऑफिसर्स की एक ब्रीफिंग भी पुलिस लाइन में हुई थी और शाम को DGP महोदय भी यहां पर आए थे और उन्होंने बड़े ही तफसील से और विस्तार के साथ सारी चीज़ों की समीक्षा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह यात्रा सकुशल संपन्न होगी और मैं इसके लिए अपने मीडिया के साथियों के प्रति भी आभार प्रकट करूँगा और उनका भी सहयोग चाहूँगा, वो भी पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जो हम लोगों की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारी कोई भी कांवड़ 1 तो 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे श्रद्धालु आए वो इस बात का ध्यान में रखें कि कोई भी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट उनके साथ ना हो, मसलन बेसबॉल के बैट, हॉकी, क्रिकेट के बॉल, कोई नुकीली चीज़ें ये ना हो। व्यसन से दूर रहें, हालांकि वो श्रद्धालु हैं और इसमें नहीं पड़ते हैं, लेकिन लोकल क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, कौन उनको इसके लिए आकर्षित करता है, तो उसकी भी हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि इससे दूर रहें। यह विशुद्ध धार्मिक यात्रा है और व्यसन से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक कोरोना का है, अभी हम लोग इसको एक बार कल रिव्यू करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो मास्क की जो अनिवार्यता है उसको हम लोग लागू कराने का प्रयास करें। समझा नहीं आपने? कांवड़ रोड पे ही मास्क वगैरह की दुकानें बन रही है पूरे जिले में? नहीं, ये कांवड़ मार्ग पर जो भी हमारी मीट की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और जो हमारे शराब के ठेके हैं उनका जो काउंटर सड़क की तरफ खुलता था वो अपोजिट साइड में खुलेगा, ये किया जाएगा। देखिए, जो यात्रा का अनुभव हम लोगों ने देखा है, चार धाम का, सोमवती का, उससे देख के लगता है कि इस वर्ष कम से कम 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना है। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।